कौन सी ऐसी पांच चीजें वेस्टीज के कैल्शियम को बेहतरीन बना देती है जो कि हमें अन्य मार्केटेड कैल्शियम में नहीं मिलती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पांच पॉइंट है, वो आपको यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों अभी अगर आप टोटल हेल्थी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर भी करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कैल्शियम को लेकर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हमेशा एक पहला फैक्टर आता है कैल्शियम को लेके, जो कि है एब्सॉर्प्शन। बहुत सारे मार्केटेड जो ब्रांड है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, कैल्शियम सिट्रेट, कैल्शियम मेलेट और बहुत सारे ऐसे कैल्शियम के सॉल्ट्स है जो कि एब्सॉर्प्शन को कम करते हैं। दोस्तों बहुत बार कोशिश लोगों ने किया है कि उसका एब्सॉर्प्शन बढ़े कैल्शियम का, इसका है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि अच्छा सॉल्ट, बेहतरीन सॉल्ट रहता है आपके बॉडी में। कैल्शियम का एक ग्रेट सोर्स माना जाता है। दोस्तों ये ग्रेट सोर्स है, लेकिन इसके साथ सॉल्ट भी कैल्शियम कार्बोनेट का दिया है और दोस्तों एब्सॉर्प्शन भी बेहतरीन है। दोस्तों अगर बॉडी में कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं हुआ, अगर मान लीजिए आपने एक पानी का ग्लास लिया, उसमें आपने कैल्शियम डाला और वो कैल्शियम एब्सॉर्ब नहीं हुआ, डिजॉल्व नहीं हुआ, एब्सॉर्प्शन नहीं हुआ, तो वो हड्डी में जाके डिपॉजिट कैसे होगा आपके बोन्स में जाके। तो ये बहुत बड़ा मार्केट में चैलेंज है और उसको एब्सॉर्प्शन बढ़ाने के चलते मार्केट में बहुत सारे उसका कॉस्ट बढ़ा देते हैं। लेकिन दोस्तों अपने वेस्टिस का कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि एक बेहतरीन सॉल्ट है और उसका डिजोल्यूशन ग्रेट है। विद इन दोस्तों एक मिनट के अंदर ये पूरा कैल्शियम अपना डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व होने के बाद वो अच्छा तरीके से उसका डिजोल्यूशन होता है, एब्सॉर्प्शन होता है और आपके बोन्स में अच्छे से वो घुल मिल जाता है। दोस्तों एक पहला बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बड़ा बुलेट पॉइंट है, बड़ा यूएसपी है कैल्शियम वेस्टीज के कैल्शियम का। दोस्तों दूसरा मैंने पहले पॉइंट में ही बता दिया, जो कि है कैल्शियम का कॉस्टिंग। दोस्तों आप सिंपल भी देखेंगे तो मार्केटेड जो कैल्शियम के ब्रांड्स रहते हैं, ठीक है, वो हमेशा आपको 6-7 रुपए के ऊपर रहेंगे। जो कि कोई बोलेगा कि ये कोरल कैल्शियम है, इसका डिजोल्यूशन अच्छा है, इसलिए इसका कॉस्ट है। दोस्तों ये ठीक है, लेकिन अपना कैल्शियम कार्बोनेट होने के बाद भी डिजोल्यूशन भी है और उसका कॉस्टिंग देखेंगे दोस्तों 2 रुपए के नीचे गोली आ जाती है। तो दोस्तों एक गोली 2 रुपए के नीचे, इतना सस्ता कैल्शियम आपको लगभग कहीं नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये दूसरा टॉपिक है। और दोस्तों तीसरा टॉपिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी देखना दोस्तों अपना वेस्टिस का कैल्शियम आप हर किसी बोन्स डिसऑर्डर में दे सकते हैं, जैसे कि एरिथ्राइटिस हो, जॉइंट पेन हो, उसमें भी दे सकते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रेगनेंसी आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जैसे कि पहले 3 महीने होने के बाद बाकी के 6 महीना आप कैल्शियम को देना ही देना है, क्योंकि अपना कैल्शियम बहुत ही सेफ है। और दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग में भी ये कैल्शियम देना है। दोस्तों बहुत बार आपने देखा होगा कि ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला करवाती है वो कभी भी देखना कि ऐसा थोड़ा सा झुकी हुई दिखती है। तो दोस्तों ये क्यों है, क्योंकि कभी भी देखना कि ब्रेस्ट फीडिंग जो महिला करवाती है उनके बॉडी में जो दूध पैदा हो जाता है, जो कि अपने बच्चे को पिलाती है, वो दूध पैदा उसमें जो कैल्शियम जाता है, वो कैल्शियम कहां से जाता है, वो कैल्शियम जाता है वर्टिब्रा से। वर्टिब्रा से रिसॉर्ट होकर मैक्सिमम कैल्शियम तैयार हो जाता है। और दोस्तों मार्केट के ऐसे बहुत सारे कम ब्रांड है जो कि कैल्शियम, जो कि उनका जो कैल्शियम है वो स्पाइन पे डिपॉजिट होने वाला बहुत ही कम है, लेकिन वेस्टीज का दोस्तों कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन बहुत ही बढ़िया है, डिसॉल्यूशन बहुत बढ़िया है, इसलिए वो पूरा स्पाइन पे अच्छा डिपॉजिट हो जाता है, बहुत ही अच्छा लेवल पे वो डिपॉजिट होता है और पूरा बोन्स में अच्छे से घुल मिल जाता है और वर्टिब्रा स्ट्रांग होते हैं। और वो लेडीज को भी कैल्शियम की डिफिशियंसी कभी नहीं होती है, उसके भी बोन स्ट्रांग रहते हैं, वर्टिब्रा स्ट्रांग रहते हैं और बच्चे को भी अच्छा क्वालिटी का दूध मिलता है। तो दोस्तों ये तीसरा बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आप नोट डाउन करके रखना, बहुत ही रिमार्केबल है। तो दोस्तों ये तीसरा हो गया। चौथा दोस्तों चौथा है कि दोस्तों अगर आप बहुत बार देखेंगे मार्केट में बहुत सारे ऐसे कैल्शियम मिलेंगे, उनमें अगर उन्होंने विटामिन D3 डाला, विटामिन डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कैल्शियम एब्सॉर्प्शन। अगर बॉडी में विटामिन डी कमी है तो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, तो इसलिए विटामिन डी को उसमें डाला जाता है आजकल। लेकिन विटामिन डी जैसे भी डालेंगे प्राइस को बढ़ा देंगे। तो दोस्तों अपना वेस्टिस का कैल्शियम है, उसमें विटामिन D3 भी है और इसके साथ दोस्तों कॉस्ट भी सेम है, उसका कुछ अलग कॉस्ट वेस्टिस ने नहीं लिया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों आप देखना जितना कैल्शियम है उतना ही विटामिन D3 है, तो इक्वल क्वांटिटी में है। तो दोस्तों जितना कैल्शियम वो बॉडी में जाएगा उसका 99.99% एब्सॉर्प्शन बॉडी में हो जाएगा। एक ओवर कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम होगा ही नहीं, वेस्टिस के कैल्शियम से साइड इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जितना विटामिन डी है उतना विटामिन क्योंकि उसमें जितना विटामिन D3 है उतना कैल्शियम है। तो दोस्तों सेम इक्वल क्वांटिटी में ये दोस्तों चौथा बड़ा बेनिफिट है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताना कि आपको ये पता थे ये पूरा बेनिफिट्स। अगर नहीं पता है तो दोस्तों अगर आप पहली बार आए तो दोस्तों सब्सक्राइब तो बनता ही है, सब्सक्राइब करना बिकॉज वी आर वेस्टिजियन, वी आर फैमिली। तो दोस्तों पांचवा जो है, जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम को एब्सॉर्प्शन, कैल्शियम का डिसॉल्यूशन होने में पेट में स्टमक एसिड होना इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो अगर एसिड नहीं है, जैसे कि अगर कई पेशेंट एसिडिटी की गोली खाते हैं, जो कि खाना खाने से पहले खाते हैं, वो अगर खाना खाने से पहला खा लिया तो एसिड कम हो जाता है पेट में, और उसके बाद उन्होंने अगर कैल्शियम की गोली खा ली तो उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है, तो दोनों तरफ से पेशेंट फंस जाता है। लेकिन अपने पास ऐसा है कि उसने एसिडिटी की गोली भी खा ली, उसको ज्यादा एसिडिटी है या कम एसिडिटी भी है,
तो भी कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप सिंपल देखना, पानी है, पानी में डाल के कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन देखना दोस्तों, वेस्टिस की गोली तुरंत एब्सॉर्ब डिजॉल्व होना चालू हो जाती है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डेमो मैंने भी करके देखा है, बहुत सारे पेशेंट को भी देखा है, रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलता है दोस्तों और बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है दोस्तों। ये 5 पॉइंट आपको कैसे लगा आप कमेंट में कमेंट करके बताना, और दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसे शानदार वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, विश यू वेल, थैंक यू।